छोटी सरकार के चुनाव का सबको इंतजार है। पिछले कई महीनों से थानेसर नगर परिषद यानी जिसे प्रदेश की छोटी सरकार कहा जाता है, नगर परिषद को, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, हरियाणा में अनेक नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के चुनाव हो चुके हैं। ऐसे में कुछ नगर परिषद और नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव होने शेष हैं, इनमें थानेसर नगर परिषद भी शामिल है। थानेसर नगर परिषद की अगर मैं बात करूं तो थानेसर नगर परिषद में जो अभी नगर परिषद का कार्यकाल पिछले वर्ष पूरा हुआ है, इस 31 वार्डों में अधिकतर जो पार्षद हैं वो भाजपा समर्थित थानेसर विधायक सुभाष सुधा समर्थित उम्मीदवार पार्षद जो थे वो उनके समर्थन में थे। यही वजह रही कि नगर परिषद की जो अध्यक्षा रही उमा सुधा रही और 3 बार नगर परिषद की वो चेयरमैन रह चुकी हैं। आपको बता दें कि 1995 में जब नगर परिषद का चुनाव हुआ था तब से लेकर अब तक 5 बार नगर परिषद के चुनाव हो चुके हैं, जिनमें पहली बार जो नगर विधायक हैं इस समय वर्तमान में विधायक सुभाष सुधा वो नगर परिषद के चेयरमैन रहे, 1 बार कांता सिंगला नगर परिषद की चेयरमैन रह चुकी हैं, 3 बार नगर परिषद की अध्यक्षा जो चेयरमैन है वो उमा सुधा रह चुकी हैं। उमा सुधा विधायक सुभाष सुधा की धर्मपत्नी है। नगर परिषद के तमाम पार्षदों का, नगर परिषद के चेयरमैन का कार्यकाल पूरा हो चुका है। ऐसे में थानेसर नगर परिषद के चुनावों का सभी को इंतजार है। धीरे धीरे सभी वार्डों में जो उम्मीदवार हैं अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई वार्डों में उम्मीदवारों ने अपने बोर्ड भी लगा दिए हैं और अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। बहुत से पूर्व पार्षद ऐसे जिन्हें हम निवर्तमान पार्षद भी कहते हैं, पूर्व पार्षद भी कहते हैं, वो एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और लगातार अपने वार्डवासियों से संपर्क भी साध रहे हैं और लगातार जो है चुनाव की तारीख की इंतजार कर रहे हैं। बहुत से उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो चुनाव की तारीख के इंतजार में है कि चुनाव की तारीख घोषित हो उसके बाद वो खुलकर प्रचार प्रसार करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि अगर आज उन्होंने गली में अपने वार्ड में बोर्ड लगा दिए कि मैं थानेसर नगर परिषद का इस वार्ड से पार्षद पद का या चेयरमैन पद का इस शहर से उम्मीदवार हूं, तो उनके खर्चे का मीटर शुरू हो जाएगा, उनके समर्थक उनके पास आने शुरू हो जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें अपने खर्चे का मीटर जो है अभी बंद कर रखने में ही भलाई समझ आ रही है, इसलिए उन्होंने अपना नाम खुल के नहीं किया। अगर हम बात करें कि थानेसर नगर परिषद के एक ऐसे वार्ड की जहां से जो पार्षद पद का चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं सुनील राजपाल, वार्ड नंबर 29 से सुनील राजपाल, उनकी धर्मपत्नी, अगर महिला वार्ड होता तो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ेंगी, पुरुष वार्ड रहता है तो सुनील राजपाल खुद चुनाव लड़ेंगे। वार्ड नंबर 29 एक पहला ऐसा वार्ड जिसे कहा जा सकता है जहां से विधायक सुभाष सुधा ने अपना खुलकर जनता के बीच में, लोगों के बीच में वार्ड नंबर 29 से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। वो उम्मीदवार हैं सुनील राजपाल। बीते दिनों कुरुक्षेत्र की हनुमान मंदिर मार्केट में जब कई दुकानदार इकट्ठा हुए थे तो उस दौरान विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद थे और सुनील राजपाल उनके साथ थे। तो विधायक सुभाष सुधा ने तब सभी शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में इस बात की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि वार्ड नंबर 29 से मेरे उम्मीदवार सुनील राजपाल हैं। सुनील राजपाल चुनाव लड़े या अगर महिला वार्ड आरक्षित होता है तो उनकी धर्मपत्नी चुनाव लड़े। उन्होंने सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से जनता के बीच में ये बात घोषणा कर दी कि वार्ड नंबर 29 से कोई जीते कोई हारे मेरा उम्मीदवार सुनील राजपाल ही रहेगा। सुनील राजपाल वार्डवासियों के काम, एक पार्षद के तौर पर एक पार्षद की भूमिका निभाते हुए सुनील राजपाल काम करवाएगा। मेरा प्रतिनिधि वार्ड नंबर 29 से सुनील राजपाल है। ऐसे में उस समय जितने भी लोग मौजूद थे, शहर के गणमान्य लोग मौजूद थे, व्यापारी लोग मौजूद थे, उन्होंने भी ये कहा कि क्या पहला आपका उम्मीदवार है जिसे आप सार्वजनिक रूप से घोषित कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जितने उम्मीदवार हैं जो अलग अलग वार्डों में अपना अपना चुनाव प्रचार में जुड़ चुके हैं, सबको पता है कि वो भाजपा के उम्मीदवार हैं या सुभाष सुधा के समर्थन में चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं या पूर्व पार्षद हैं, निवर्तमान पार्षद है, क्योंकि हर व्यक्ति की जो चुनाव मैदान में उतरा है कहीं ना कहीं उस पर एक लेबल लगा हुआ है कि वो भाजपा का उम्मीदवार है, सुभाष सुधा का समर्थन में चुनाव मैदान में खड़ा है, या अशोक गोड़ा जी के समर्थन में खड़ा है, या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़ा है, या आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ा है, या इनेलो के समर्थन में खड़ा है, या आजाद रूप से चुनाव मैदान में फिलहाल किसी पार्टी से नहीं जुड़ा। ऐसे में विधायक सुभाष सुधा ने सार्वजनिक तौर पर वार्ड नंबर 29 के पार्षद पद के उम्मीदवार के रूप में सुनील राजपाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट किया है कि वार्ड नंबर 29 से उनकी ओर से पार्षद पद के उम्मीदवार सुनील राजपाल है। वो जीते या हारे वार्ड की, वार्ड नंबर 29 की जनता के काम सुनील राजपाल के माध्यम से नहीं रुकेंगे। ऐसे में बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि
विधायक सुभाष सूदा ने सार्वजनिक तौर पर वार्ड नंबर 29 से अपने पहले उम्मीदवार का नाम घोषित किया है कि मेरा उम्मीदवार ये है। क्योंकि वार्ड नंबर का ध्यान दें तो कई शहर में आपको बड़े सारे होर्डिंग ऐसे भी नजर आएंगे कि जहां होर्डिंग लगे हुए हैं, पार्षद पद के उम्मीदवार का फोटो लगा हुआ है बड़ा सा, हाथ जोड़कर खड़े हैं, मेरा वार्ड, मेरा परिवार, कई और नीचे स्लोगन लिखे हुए हैं, ऊपर फोटो लगी हुई है, तीन फोटोएं लगी हुई हैं विधायक सुभाष सुधा की, उनकी धर्मपत्नी उमा सुधा की, उनके पुत्र साहिल सुधा की। ऐसे में ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये उम्मीदवार विधायक सुभाष सुधा के समर्थित उम्मीदवार हैं। हालांकि विधायक सुभाष सुधा ने अभी उनके नाम की घोषणा नहीं की है कि इस वार्ड से मेरा उम्मीदवार ये है, क्योंकि पहली घोषणा सुनील राजपाल के नाम की हुई है। ऐसे में जो और बोर्ड लगे हुए हैं वो बड़ी ध्यान देने वाली बात होगी कि वो उम्मीदवार विधायक सुभाष सुधा के उम्मीदवार है या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कोई भी अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम होता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी कार्यक्रम है, जब उसमें अगर कोई पार्षद उम्मीदवार अपना बोर्ड लगाता है, फ्लेक्स लगाता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष की, भाजपा जिलाध्यक्ष की और अन्य भाजपा नेताओं की भी फोटो लगी होती है, यहाँ तक कि सांसद नायब सिंह चैनी की भी फोटो लगी होती है, विधायक सुभाष सुधा की फोटो लगी होती है, और जिसमें और अन्य भाजपा नेता जिसमें उस उम्मीदवार की आस्था होती है, जुड़ाव होता है, वो उसकी फोटो भी अपने फ्लैक्स में लगाता है। लेकिन कई वार्डों में ऐसे फ्लैक्स भी लगे हैं, पूरे बाजार की अगर बात करो तो थानेसर के बाजार में कई बोर्ड ऐसे लगे हुए हैं जहाँ केवल विधायक सुभाष सुधा, उमा सुधा और साहिल सुधा की फोटो लगी हुई और नीचे बड़ी सी फोटो पार्षद पद के उम्मीदवार की है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि ये उम्मीदवार आखिर किसका उम्मीदवार है, क्योंकि विधायक सुभाष सुधा ने भी उनके नाम की घोषणा नहीं की है कि इस वार्ड से मेरा उम्मीदवार ये है, किसी ने, भारतीय जनता पार्टी ने भी उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी और सुभाष सुधा एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक दूसरे के बिल्कुल समकक्ष हैं, क्योंकि विधायक सुभाष सुधा भाजपा के टिकट पर दो बार नगर जो है विधायक का चुनाव लड़े हैं, दोनों बार जीत हासिल की है। विधायक सुभाष सुधा मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। विधायक सुभाष सुधा के समर्थकों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि शहर में विधायक सुभाष सुधा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसे में जो बोर्ड लगे हैं, इस बात पर भी ध्यान देने वाली बात है कि वो बोर्ड आखिर जो पार्षद पद के उम्मीदवारों ने लगा रखे हैं वो किस पार्टी के, अगर वो भाजपा के उम्मीदवार हैं तो क्या उन्हें ये बात नहीं सोचनी चाहिए कि उस बोर्ड के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हो, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की फोटो लगी हो, प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी की फोटो लगी हो, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी की फोटो लगी हो, उसके साथ अगर विधायक सुभाष सुधा की फोटो लगी हो, सांसद नायब सैनी की फोटो लगी हो और उमा सुधा या साहिल सुधा की फोटो लगी हो। ऐसे में केवल भाजपा के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, प्रधानमंत्री की फोटो ना लगाकर क्या वो ये इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि वो भाजपा के उम्मीदवार नहीं है, खुद खड़े हुए हैं, अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी ओर से दावेदारी पेश कर रहे हैं, विधायक सुभाष सुधा का उन्हें समर्थन है, भाजपा का उन्हें कोई समर्थन नहीं है। अगर भाजपा का उन्हें समर्थन है तो उन्हें भाजपा के जिलाध्यक्ष की, प्रदेशाध्यक्ष की, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की फोटो जरूर लगानी चाहिए। उन लोगों पर भी भाजपा को सोचना होगा, संज्ञान लेना होगा, क्या ऐसे लोग क्या भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के हकदार हैं, क्या ऐसे लोग भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए डिजर्व करते हैं जिन्हें भाजपा के नेताओं का, प्रदेश के मुख्यमंत्री का, प्रदेश देश के प्रधानमंत्री का, प्रदेश के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष का, भाजपा जिलाध्यक्ष के सम्मान की कोई फिक्र नहीं है, उनकी फोटो भी नहीं लगा रहे और भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं और भाजपा के टिकट पर भाजपा की उपलब्धियां तो गिना रहे हैं, वार्डवासियों को ये तो बता रहे हैं कि मैं भाजपा की ओर से चुनाव लड़ूंगा, भाजपा ने मुझे अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया, जवानी तौर पर वो बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक तौर पर पोस्टर लगा रहे हैं, फ्लैक्स बोर्ड लगा रहे हैं, उन पर भाजपा के किसी भी नेता की, जिलाध्यक्ष की, प्रदेशाध्यक्ष की, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की कोई फोटो नहीं है। ये तो है ऐसे लोगों की जो खुद को भाजपा का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। बात अगर फ्लैशबैक में जाकर फिर से जहां से खबर शुरू की थी वार्ड 29 की बात करूं तो 29 में भी सोचने वाली बात है कि विधायक सुभाष सुधा ने सार्वजनिक तौर पर तो कह दिया है कि वार्ड नंबर 29 से सुनील राजपाल मेरा प्रतिनिधि है। वार्ड 29 के कोई भी काम होंगे सुनील राजपाल एक वार्ड पार्षद के तौर पर भूमिका निभाएगा। अगर सुनील राजपाल पार्षद के तौर पर भूमिका निभाएंगे और निभाने की उन्हें छूट दे दी गई है तो फिर वार्ड नंबर 29 में चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है। वार्ड नंबर 29 में जो 5 बार चुनाव हुआ है, पहली बार राधा रानी पार्षद रह चुकी हैं, 2 बार
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा पार्षद रह चुके हैं वहां से। उसके बाद विवेक मेहता विक्की पार्षद रह चुके हैं, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी अन्नू मेहता पार्षद रह चुकी हैं, जिन्होंने चुनाव लड़ा, वार्ड की जनता ने उन पर विश्वास जताया, उन्हें वोट दी और उन्हें अपना पार्षद चुना। सर्वमान्य सत्य है कि भारतीय लोकतंत्र प्रजातांत्रिक प्रणाली में चुनाव के माध्यम से जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, वोटिंग करती है, अपनी इच्छा जाहिर करती है, अपनी आस्था जिस नेता में जताती है उसे वार्ड का, शहर का, देश प्रदेश का और देश का प्रतिनिधि चुना जाता है। ऐसे में क्या वार्ड नंबर 29 की जनता चुनाव के समय किस पार्षद पर अपना, किस व्यक्ति को अपना पार्षद पद का उम्मीदवार चुनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जब चुनाव घोषित होंगे, जितने पार्षद पद के उम्मीदवार होंगे, चाहे विवेक मेहता विक्की हों या अन्नू मेहता, उनके धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरे, या सुनील राजपाल चुनाव में मैदान में उतरे, या उनके धर्मपत्नी चुनाव मैदान में उतरे, निसंदेह ये दो उम्मीदवार तो चुनाव मैदान में नजर आएंगे आएंगे वार्ड नंबर 29 से, विवेक मेहता विक्की और सुनील राजपाल, खुद चुनाव लड़े या उनके धर्मपत्नी चुनाव लड़े। लेकिन विधायक सुभाष सुधा ने सार्वजनिक मंच पर आकर सुनील राजपाल के नाम की घोषणा करके कहीं ना कहीं इन संभावनाओं को एक बल दे दिया है, एक और नई राजनीति के नई उम्मीदों को एक बल दे दिया है कि आज उन्होंने पहला उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले दिनों में वो ऐसे सार्वजनिक मंच से कहीं ना कहीं और उम्मीदवार भी घोषित करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में विधायक सुभाष सुधा शहर के हर वार्ड में एक दिन दो दो वार्डों में जाकर तमाम जितने भी प्रशासनिक विभाग हैं उन प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों के साथ हर वार्ड में, हर वार्ड आपके द्वार विधायक सुभाष सुधा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं, जहां वार्ड के लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। जो भी उनके समक्ष समस्याएं आ रही हैं, चाहे वो समस्याएं सड़क से जुड़ी हैं, सफाई से जुड़ी हैं, या अन्य नगर परिषद से जुड़ी हैं, या अन्य विभागों से जुड़ी हैं, चाहे वो विभाग बिजली विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यू विभाग है, पब्लिक हेल्थ है, चाहे नगर परिषद है, कोई भी विभाग है, उन तमाम विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर विधायक सुभाष सुधा हर वार्ड का दौरा करने वाले हैं, वार्डवासियों की समस्याओं को सुनने वाले हैं, और उनकी कोशिश रहेगी कि वो हर वार्ड में लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करें। लेकिन जहां तक वार्ड के पार्षद पद के उम्मीदवारों की है, अब इस पहली पहल ने, पहले नाम की घोषणा ने कई आने वाले दिनों में और अन्य संभावनाओं को भी एक नई, एक जो है एक उम्मीद पैदा कर दी कि आने वाले दिनों में विधायक सुभाष सुधा किस वार्ड से अपने किस उम्मीदवार का नाम घोषित करते हैं। लेकिन एक जिस भी उम्मीदवार का नाम घोषित करें, एक बात की चर्चा उस उम्मीदवार को भी सोचना होगा, विधायक सुभाष सुधा को भी सोचना होगा कि जिस उम्मीदवार को आप अपना प्रत्याशी घोषित करते हैं और वो उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपने प्रचार प्रसार सामग्री की प्रचार प्रचार अभियान शुरू कर देता है, तो उसे इस बात का भी ध्यान रखना होगा, इस जो है महिमा का भी ध्यान रखना होगा कि आप विधायक सुभाष सुधा के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरे हैं। विधायक सुभाष सुधा भाजपा के प्रतिनिधि हैं, भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जनता ने उन्हें चुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो प्रतिनिधि हैं, मनोहर लाल खट्टर के वो प्रतिनिधि हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसे में सुभाष सुधा जिन्हें अपना समर्थन देते हैं, उन लोगों को भी सोचना होगा कि जब आप प्रचार प्रसार अभियान करेंगे तो उस प्रचार प्रसार अभियान में आप भाजपा के उन तमाम नेताओं को भी साथ लेकर चलेंगे, साथ उन्हें अपनी प्रचार प्रसार सामग्री का हिस्सा बनाएंगे, जिनके आपके नेता सुभाष सुधा खुद प्रतिनिधि हैं। धन्यवाद।